हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेलास्फेयर स्किन लाइटनिंग एमएस जेल के बारे में। तो इसका उपयोग किया जाता है छाई को हटाने के लिए और मेलाज्मा को हटाने के लिए। तो इसे टैलेंट इंडिया द्वारा बनाया जाता है और इसका 20 ग्राम का पैक है जिसकी कॉस्ट है 375 रुपया। तो मेलास्फेयर स्किन लाइटनिंग एमएस जेल डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको किन प्रॉब्लम में रिकमेंड करते हैं, जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और फ्यूचर में आप ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मेलास्योर स्किन लाइटनिंग एमओ जेल का उपयोग हमें तभी करना है जब हमें मेलाज्मा हुआ है, जैसे कि हमारे आँखों के साइड में जो छाइयाँ रहती है तब हमें यूज करना है, या हमें एज डार्क स्पॉट आ गया है, जैसे कि हमारी एज बढ़ते रहती है तो हमें वहाँ पे जैसे कि हमारी जो स्किन्स रहती है वह थोड़ा हल्की होने लगती है, लूज होने लगती है, तभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या आपको रिंकल्स वगैरह आए हैं तभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ है, इफ़ेक्टिव है, जैसे कि आपको मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में, छाई के ट्रीटमेंट में, या आपको एज डार्क स्पॉट आ गया है, या आपको रिंकल्स वगैरह है, तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छे से, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो मॉलिक्यूल ऐड किया गया है, वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जैसे कि इसके अंदर ऐड किया गया नियासिनामाइड, ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये जो सूजन वगैरह रहती है उसे कम करने में मदद करता है। इसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट डाला गया है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, जो आपको हेल्प करता है, जैसे कि आपको जो छाई वगैरह रहती है और साथ में जो आपको रिंकल्स वगैरह रहते हैं, झुर्रियाँ वगैरह रहती है, उससे हटाने में ये क्या करता है कि हेल्प करता है जो ग्रेनुल सेल्स रहते हैं उसके फॉर्मेशन में, ताकि आपको स्किन है वो लूज ना रहे, वह टाइटन बने। इसके अंदर अल्फा आरबीटिन ऐड किया गया, तो ये इसका मेन काम है कि जो डार्क स्पॉट, एज डार्क स्पॉट वगैरह, रिंकल्स वगैरह रहते हैं उससे हटाने के लिए, और साथ में ये जो मेलानिन के प्रोडक्शन रहते हैं जिसकी वजह से हमें कलर मिलता है, उस मेलानिन के प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है टायरोसिनेज एंजाइम, उसी एंजाइम को ये स्लो डाउन करता है ताकि आपका जो कलर है वह डिसकलरेशन ना हो। इसके अंदर कोजिक एसिड ऐड किया है, तो ये भी हेल्प करता है जो टायरोसिनेज एंजाइम रहता है उसे ब्लॉक करने के लिए, ताकि जो आगे का प्रोसेस है, जो मेलानिन का प्रोडक्शन, जो स्किन कलर देने का, वह आगे ना बढ़े, तो ताकि जो जिसके वजह से आपकी स्किन है वह काफ़ी लाइटन हो और जो आपका मेलाज्मा है वह चले जाए। तो इसको आपको यूज़ करना अफेक्टेड एरिया में, जैसे कि आपको मेलाज्मा वाले एरिया में, टॉइस डेली, और इतना ख्याल रहे कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो छतरी का जरूर उपयोग करें या सनस्क्रीन का उपयोग करें, और इसे ट्वाइस डेली आपको उपयोग करना है। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको इसके अंदर, अगर आप स्टार्टिंग में यूज करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा जलन वगैरह महसूस हो सकती है स्टार्टिंग में, जब आप यूज करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा जलन वगैरह महसूस होती है एक दो दिन, और उसके बाद से फिर नॉर्मल हो जाता है। तो आपको जब भी बाहर निकले तो आप ख्याल रखें, या तो आप कोई स्कार्प वगैरह अपने चेहरे पर लगा लें, ताकि जो डायरेक्टली जो सनलाइट है आपके चेहरे पर ना पड़े, नहीं तो बाद में क्या होता है कि ये जो स्किन लाइटनिंग के जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में जाते हैं, अगर उसको यूज करते हैं तो सारी समस्या होती है, जैसे कि आपको डार्कनिंग हो सकता है चेहरे का, स्किन का, तो आप इतना ख्याल रहे कि आप अम्ब्रेला वगैरह जरूर यूज करें, या आप सनस्क्रीन वगैरह जरूर यूज करें। तो मोस्टली आपको हर मेडिकल शॉप में इजिली अवेलेबल मिल जाता है। इसका रिजल्ट पाने के लिए मिनिमम आपको 45 डेज तक यूज करना पड़ेगा इसको, तब जाके आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में आप ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, बहुत सारी मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।